ये उद्देश्य अधिकतर इतना बड़ा होता है कि आम तौर पे अगर हम इसे इस पर थोड़ा ध्यान ना दें तो लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है अगर आप आम इंसान को तो इस दर, इस अपने उद्देश्य के बारे में पता ही नहीं होता तो लोग भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ये YouTube पर लाइव है जो लोग YouTube से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो परमानेंट वहां पड़ा रहता है इसलिए आपको वहां रिडाइट किया जा रहा है तो ये जब हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो अनेक तरह से रुकावटें आती हैं जिसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है आपका ये नकारात्मक शक्तियां चारों तरफ से तंग करती हैं नकारात्मकता सबसे ज्यादा तो हमारे अंदर की है हमारे अंदर जो ये पांच विकार नॉर्मली कहे जाते हैं मतलब इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सबसे ज्यादा खतरनाक पंच विकार के नाम से षट विकार भी लोग कह देते हैं ये इस नाम से हमारे अंदर लगातार हमारी एनर्जी को छीनने के लिए बेताब रहते हैं ये हमारी ही अपनी नकारात्मकता इसे हम अपना शेडो सेल्फ बोलते हैं क्या बोलते हैं शेडो सेल्फ शेडो शेल मतलब मेरी ही छाया है लेकिन काली है मेरी ही काली छाया जो है इसका प्रभाव मेरे ऊपर है तो वो काली छाया का प्रभाव पड़ता है उस काली छाया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो ये काली छाया अपनी ही काली छाया अपनी ही परछाई शेडो और वो परछाई इतनी भारी भरकम है जैसे बच्चा ना देखो छोटे बच्चे को अपनी परछाई को देख कर डर जाता है हम भी वास्तव में अपनी ही परछाई को देखकर डरे हुए हैं क्या परछाई अपने अंदर जब मैं अब मुझे कहनी पड़ेगी सारी बातें जो क्रोध का तूफान उठता है तब अपने आप को कितना बचा पाते हैं हम अपने अंदर जब लोभ का तूफान उठता है छीन ले छीन ले छीन ले और लूट ले, और लूट ले ले और सब तो कर रहे हैं तू भी कर ले क्या सोच के देखिए होता है कि नहीं होता क्योंकि बहुत लोगों को मैंने ये हरकतें देखी हैं और बहुत लोगों ने अपना मतलब कहीं लोभ के वशीभूत होकर कहीं पैसा लगाया गंवा दिया थोड़े दिनों में डबल हो जाएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसे झूठ की चीजों में अपना पैसा लगा के बर्बाद कर दिया क्या मेन कारण क्या था लोभ लोभ बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाएगा लोभ का बस यही हम विकार है कैसे इससे बाहर आ सके कैसे वो लोभ का जो कीड़ा जो है हमारे अंदर से दूर हो सके कैसे वो काम का कीड़ा दूर हो सके ऐसा विकार उठता है लोग पागल हो जाते हैं फिर उसके उसके बाद मतलब कोई मन की अवस्था है ही नहीं फिर, फिर इसी तरह से क्रोध का विकार जब उठता है कितना कंट्रोल होता है हमारे अपने ऊपर उस समय में जब क्रोध का विकार उठता है पता ही नहीं होता तो बड़ी इस तरह से ये विकार जो है ना हमारी ही परि पर, पर हैं अनेक पिछले जन्मों में हम ये हरकतें कर चुके हैं और ऐसा उनका छाप हमारे मन पर पड़ी हुई है आज भी इस मन को लालची है ये मन लालची है कबीर ये मन लालची समझे नहीं गंवार गंवार है यह, ये ये समझता नहीं है इसके ऊपर दंड चलाना पड़ता है अपने मन को जरा खींच के रखना पड़ता है तो जब जब काम की लहर उठे जब जब क्रोध की लहर उठे तो अपने मन को शुद्धो हम बुद्धो हम, मुक्तो हम आनंदो हम बार बार कहकर खुद को याद दिलाना पड़ता है हाँ मैं आनंद रूप हूँ हाँ मैं शुद्ध रूप हूं हाँ मैं परम पवित्र हूं ये खुद को याद दिलाना पड़ता है याद दिलाना पड़ता है दिला लेना खुद को याद दिलवा लेना बार बार जब जब क्रोध की लहर उठे तो खुद को कहना मैं शांत स्वरूप हूं मैं शांत स्वरूप हूं मैं आनंद स्वरूप हूं मेरी आत्मा में तो सदा आनंद था ये क्रोध की लहर कैसे उठ गई सोच के देखिए कितना और नहीं लगता एक शांत स्वरूप आत्मा जैसे समुद्र की बात करूं उदाहरण के लिए हमारी आत्मा समुद्र की जो तली है ना उस तरह से है बिल्कुल शांत कभी कभी बाहर बड़े तूफान उठते हैं समुद्र की सतह पर अगर आप कभी देखो ना बड़े तूफान उठ रहे हैं लेकिन वहां से बस सौ मीटर अंदर चले जाओ सौ मीटर बस सौ मीटर सब शांत है वहां पर सब शांत है ऊपर तूफान उठ रहे हैं ऊपर किश्तियां डगमगा रही हैं बड़े बड़े शिप जो है पलट जाए इतनी तेज लहरें उठ रही है लेकिन नीचे सब शांत है हमारे भी भीतर वास्तविकता में सब शांत है जब आप अपने अंदर के शून्य से जुड़ते हैं वहां कभी कोई लहर नहीं पहुंची वहां कभी क्रोध पहुंचा ना वहां कभी लोभ पहुंचा ना वहां कभी मोह पहुंचा ऊपर की लहरें हैं इस शुद्ध चेतना में से ये लहरें उठती हैं ये शुद्ध चेतना अपने अंदर परम पवित्र ऊपर ऊपर है ऊपर ऊपर तो संसार के व्यवहार के हिसाब से अब किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ ऐसा बुरा कह दिया अब उस बुरे को लेकर अंदर से कुछ रिएक्शन हो गई और फिर हमने अपने शांत स्वरूप को भूलकर उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और फिर वो पूरा का पूरा ध्यान जो है ना उस व्यक्ति की तरफ चला गया और यहां से वो सारा मामला बिगड़ गया वो सारा मामला जब बिगड़ना शुरू करता है तो बस वहां उसके बाद फिर हम अपने आप को भूल गए अपने स्वभाव को भूल गए स्वभाव को भूल गए कि मैं तो शांत स्वरूप था जब आपका स्वभाव से आप दूर हो जाते हो तो आप दुखी हो जाते हो स्वभाव क्या है स्वभाव ऐसा शांत स्वरूप है स्वभाव ऐसा आनंद रूप है स्वभाव है वो सत्य है परमानेंट है जब परमानेंट है तो डर किस बात का तुम्हें कोई मिटा सकता है किसी के बाप की औकात नहीं है कोई तुम्हें मिटा के दिखा दे मिटाने की बात तो नहीं लेकिन फिर भी मिटता हुआ सा प्रतीत होता है ऐसा भय लगता है कि मैं मिट जाऊंगा और जब मैं मिट जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे अंदर मेरे अंदर जो मिटने का जो डर पैदा होता है डर के कारण डर के कारण फिर जो मेरा जो बिहेवियर है वो बदलना शुरू हो जाता है तो था तो शांत स्वरूप था तो आनंद स्वरूप था तो प्रेम स्वरूप प्रेम स्वभाव है हमारा स्वभाव है स्वभाव समझ में आता है जैसे पानी का स्वभाव है ठंडा ठंडक देना आग का स्वभाव है गर्म करना गर्मी देना आग का स्वभाव है प्रकाश देना और गर्मी देना वो स्वभाव है वो स्वभाव से दूर नहीं जा सकती आग आग को जिस रूप में भी देखोगे वो वही करेगी मेरा स्वभाव अब अपने स्वभाव को खुद को याद दिलाना पड़ता है याद दिलाना पड़ता है कैसे हम आग बबूला हो जाते है, शव, हैं गुस्से हो जाते हैं गुस्से होने के लिए हमारा स्वभाव नहीं है स्वभाव से बाहर आ गए इसीलिए आपने ये सुना हम कहते हैं आपे से बाहर आ गया वो आपे से बाहर आ गया आपा मतलब क्या मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव है शांत रूप होना आपे से बाहर आ गया मतलब क्या अब वो स्वभाव से बाहर आ गया वो मेरा स्वभाव नहीं था लेकिन मैंने वो अपने स्वभाव को भूल कर अपने शांत स्वरूप को आनंद स्वरूप को भूल कर फिर मैंने व्यवहार बदल लिया किसी परिस्थिति वस, किसी चीज को रिएक्ट किया मैंने तो चीजें बुरी नहीं है चीजें तो तुम्हारी परीक्षाएं तो होंगी कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में ट्रिगर करेगी ट्रिगर मतलब उसे 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 उकसाएगी उसे उकसाएगी लेकिन उकसाएगी तो अपने शांत स्वरूप को याद करके वापस अपने आप को याद दिलाने शुद्धो अहम बुद्धो अहम मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप हूं शुद्धो अहम बुद्धो अहम मुक्तो अहम शिवो हम मुक्त हूं मैं मैं बंधन में कब पड़ गया लेकिन हम बंधन में पड़ जाते हैं मोह के बंधन देखो कुछ चीजों के लिए मैंने देखा है अधिकतर लोग अपने बारे में पर... उनको परेशानी नहीं है अपनों के बारे में बड़ी परेशानी है बेटे का शादी नहीं हो रही हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा दुखी है पूछो मत उनके दुख का कोई टिकाना नहीं है बेटी... बेटी की कोई समस्या है उनके मतलब तो इन्हीं चीजों को लेकर मैंने ज्यादातर लेडीज को देख की जो परेशानियां देखी है ना जेंट्स की भी अपने टाइप की हैं लेकिन ज्यादातर अपनी वजह से कम और दूसरों की वजह से ज्यादा लेडीज की तो बहुत ज्यादा मतलब लेडीज जो है वो खुद की वजह से कम दुखी है दूसरों की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है इसकी परेशानी से दुख उसकी परेशानी से दुख यकीन मानिए सबके अपने अपने कर्म है आप हर चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते जितने भी कर लो जितने भी प्रयास कर लो आप हर एक के साथ लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते कोशिश करो उन्हें अपने जीवन का स्वभाव याद दिलाओ कोशिश करो उन्हें सत के मार्ग पर लगाओ छोटी छोटी समस्याओं से की, की की बात नहीं है उनको भी अपने कर्मों की माफी मांगने की बताओ ना उनको भी तो बताओ कि तुम भी अपने कर्मों के मेरे को बताओ मैं कर लूंगी भाई तुम क्या कर लोगे तुम क्या कर लोगे कर्म उसके हैं तुम सबकी जिम्मेवारी क्यों लेते हो नहीं ले सकते नहीं ले सकते पर स्वभाव उसका स्वभाव बना दिया गया उसके मन में डाल दिया गया ये सब सुखी होंगे ना तब तुम सुखी होगे तुम्हारा सुख इन पर निर्भर नहीं है मैं सभी अपनी माताओं बहनों बेटियों को प्यार से नम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हारा सुख इन पर निर्भर नहीं है तुम अपने भीतर सुखी नहीं इन सब ये सब दुखी है तो मैं कैसे सुखी हो सकती हूं ये ऐसा नहीं है तुम्हारा अपना स्वभाव है स्वभाव तो उनका भी सचिदानंद है तुम्हारा बेटे की शादी न, या नौकरी नहीं लग रही या हस्बैंड की कोई काम धंधे में कोई प्रॉब्लम आ रही है या बेटी की शादी में प्रॉब्लम वट जो भी है हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं मैंने देखा है अपनी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मोह के बंधन इतने गहरे हैं कि उनका दुख अपने दुख से ज्यादा बड़ा लगता है देखो दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए जरूर किया जाना चाहिए पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो नहीं बिल्कुल नहीं खुद को सेक्रीफाइस करके खुद के दुखों को परे खुद को या तो आप कुछ कर सको किसी के कर्मों में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हाँ आप समझा सकते हो आप उन्हें ज्ञान दे सकते हो जरूर दो लेकिन किसी के कर्मों में आप जितने भी करके आपके दुखी से कोई सुखी हो आपके दुखी होने से कोई सुखी हो सकता है क्या नहीं वो तो दुखी है ही आप भी दुखी हो जा रहे हो तो क्या करो उसके लिए उपाय जरूर ढूंढो पर उसी को करना पड़ता है वो पूछते हैं वो तो नहीं करेगा बेटा तो नहीं करेगा पति तो मानता नहीं है बेटा मानता नहीं है बेटी ऐसी है मुझको बता दो मैं कर लूंगी तुम्हारे करने से नहीं होगा माता जी तुम्हारे करने से बात बनने वाली नहीं है समझाना हमारा फर्ज है कोशिश करो अपने अपनों को ज्ञान दो समझ दो ताकि वो इन, इन इस चीज से बाहर आ सकें समझ बहुत जरूरी है बिना समझ के नहीं होगा जिसकी हरकतें क्यों है परमात्मा रास्ता भी उन्हीं के थ्रू ही दिखाएगा हाँ एज ए मदर एज ए फादर आपका फर्ज है कि उन्हें सही रास्ते पर लाएं बट इससे ज्यादा नहीं दुखी मत होइए दुखी मत होइए अपने स्वभाव में रहिए क्योंकि अगर आप शांत होंगे ना आपकी शांति से सारा माहौल शांत होने लगेगा याद रखना और अपनी शांति से पानी को चार्ज करना अपनी शांति को जब जगह फैलाना बिठाकर सांत्वना देना सबको लेकिन अपने स्वभाव में आने की बात करना तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्वभाव में उतरना स्वभाव मेरा स्वभाव मैं जिस चीज में सदा रह सकता हूं वो मेरा स्वभाव है आत्मा का स्वभाव है कुछ मूलभूत गुण है आत्मा के आत्मा सत है सदा थी सदा है सदा रहेगी मैं मैं भी कभी कभी किसी बात के लिए अपने गुरु महाराज जी के आगे वो करता हूँ ना प्रभु ये काम नहीं हो रहा इतने दिन हो गए काम नहीं हो रहा कभी कभी इंसान है हम भी वो करते हैं जिद पिता के अपने पिता से मेरे गुरु पिता से गुरु महाराज जी से लेकिन गुरुदेव फिर प्यार से समझाएंगे हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि उनके पास अनंत समय है हमें लगता है कि टाइम छोटा है काम बहुत बड़ा है होनी रहा होनी रहा हमारे लिए एक आध दो चार दिन महीनों का डिले भी हमें डिले लगता है उन्हें डिले नहीं लगता अनंत समय को देखते हैं वो इतना विराट समय तो इससे पहले जो पिछले जन्म में तू जो और पचास साठ साल खराब कर चुका है उसके मुकाबले में ये ये पांच छह महीने किस गिनती में आते हैं कहाँ पचास साठ साल और कहाँ ये छोटी सी गिनती बात समझ पा रहे हैं स्वभाव वो हमें स्वभाव याद दिलाते हैं कि तुम अपने स्वभाव में स्थिर रहो शांता कारण भोजन शयनम वो किसकी याद दिलाई जा रही है जैसे मान भगवान विष्णु जी के गुणों की याद करते हैं शांता कारण हम भी शांता कारण हैं आप भी शांता कारण हो ठीक है तो यही अपने गुणों को याद करवाना और ये गुण क्या है गुरु का दिया हुआ नाम मैं मान लो वो शिवो हम की चैंटिंग से कर रहा हूं मैं शिवो हम मैं बार बार याद दिलाता हूं अपने आप को शुद्धो हम मैं शुद्ध हूँ शुद्ध मतलब उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं है कोई भी चीज कोई भी चीज मेरे इसमें आके मतलब मेरे स्वभाव में आकर मुझे बदल नहीं सकती हाँ टेम्परेरी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है टेम्परेरी कोई चीज थोड़ी देर के लिए आई उसने मेरे स्वभाव से मुझे दूर कर दिया ऐसा लगा कि जैसे सारे मैं तब, मैं मैं दुखी हो गया मैं दुखी हो सकता हूं क्या किसी के बाप की औकात नहीं है जो दुखी कर दे अपने नेगेटिविटी को कह दिया करो नहीं नेगेटिविटी को कह दिया करो तुम्हें पता है मेरे बाप कौन है मेरे पिता कौन है अपने गुरु को याद करते हुए कहो ना तो उनको मुश्किलों को ये कहो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे भगवान कितने बड़े हैं वो सब करेंगे पर समय लगता है अब कर्मों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कर्म आपने जैसा किया था अब लगता है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए सब अब देखो एक शादी के डिले की बात करता हूं मैं बात याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूं शादी के डिले की बात करता हूं किसी व्यक्ति ने किसी की शादी पिछले जीवन में तुड़वा दी थी तुड़वा दी थी मजाक मजाक में मजाक मजाक में कोई आई बारात कैसे इसमें और वो उसने जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया शादी वादी होकर ले जा, दे जाने की तैयारी थी उसने कहा कि देख मैं एक मिनट में रिश्ता तोड़वा के दिखाती हूँ किसी लेडी की मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण दे रहा हूं आपको तो उसने कहा कि मैं एक मिनट में रिश्ता तोड़वा के दिखाती हूँ तो वो जाके उसके ससुर जो होने वाला था लड़की का जो ससुर होने वाला था बाहर से बाहर आता ही शादी को ले जाने तो ये लड़की की सहेली थी इसने तोड़वाने के लिए इसने मन की भाई मैं थोड़ी सी अब देख देख एक मिनट में रिश्ते को कैसे तोड़वाती हूँ देख और जाके उसने थोड़ी सी आग लगा दी थोड़ा सा कह दिया कि इसका तो फलाने लड़के के साथ ना ऐसे ऐसे चक्कर था अब सारा खेल बिगड़ गया जो शादी बिल्कुल तय बिल्कुल सब शादीवादी होने के बाद वो विदाई की तैयारी करे थे इसने लास्ट में अपनी आग लगा दी आग लगा दी तो फिर क्या शादी सारा माहौल बिगड़ गया अब वो बाद में कह रही नहीं 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 मैंने तो ही बोला था ये कहा था वो कहा, जिसने आग लगा दी लगा दी अब एक बार किसी के मन में शक का कीड़ा चला जाए वो निकालना इतना आसान नहीं होता ना उसने लगा दी आग अब आग लगा दी तो वो सारा माहौल बिगड़ गया अब वो चले गए वो वो छोड़ गए भाई हम तो ऐसी लड़की को बदचलन है फलाना डिमका लड़की के ऊपर क्या लगा इल्जाम लग गया उसने तो मजाक किया था लेकिन लड़की के ऊपर बदचलन होने का इल्जाम लग गया उसके बाद उसकी शादी हुई ही नहीं अब ये जो लड़की है जिसने आग लगाई थी अब इस जीवन में इसकी शादी नहीं हो रही लगी हुई है ये तिकड़म वो तिकड़म फलाना डिमका इस बाबे के यहां जा उस बाबे के यहां जा किसी तरीके से कोई रिश्ता नहीं आके देता अब क्या आप क्या कर लोगे इसमें मान लो आप इसकी मदर हो इस लड़की की आप क्या कर लोगे बताओ क्या कर लोगे अब कर्म जितना समय तक वो लड़की दुखी रही थी इतना समय तक ये भी दुखी रहेगी थोड़ी माफी मांग लेने से हो सकता है वो ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाए एक पर बात यह ना कि कितना दर्द दिया इसने उसको कितना दर्द दिया बेचारी शादी होके अपने वहां जाती अपना जीवन सही ढंग से चलता लेकिन कितना दर्द कितने ताने सहने पड़े बच चलन, बच चलन, बच चलन। बात तुरे, तुरे थोड़ा सा मजाक की जिंदगी के ऊपर बन गया आप सोचो अब ये लड़की जो इस जीवन में आई है इसकी तो हम हमें लगता है कि मेरी बेटी को मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही चलो आपकी बेटी है आज वो लेकिन क्या कर्म करके आई हुई आपको क्या पता ये जो बेटा जिसकी जॉब नहीं लग रही क्या कर्म करके बैठा हुआ है किस किस किसने जॉब छुड़वा दी थी किस किस ने इसके काम धंधे बंद करवा दिए थे आपको क्या पता हमने हरकतें देखी है ना जब कर्म देखते हैं ना तब वहां जाके एकदम से शौक लगता है कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो तुम क्या बात कर रहे हो तो इसलिए वो कितने भी तुम किसी का सहयोग कर लो किसी के प्रति सिंपथी कर लो पर तुम उसके कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो इतना ही है उनको बोलो कि भाई कान पकड़ो सर झुकाओ माफिया मांगो बार बार माफिया मांगो गुनाह माफ कर दिए जाएंगे इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता मैं रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी अपनी बेटी के लिए मैं फलानी जगह पे एड चलवाऊंगी अखबार में और फलाने में और ढिमके में तुम जो मर्जी कर लो जब तक ये माफी नहीं मांगेगी ना लड़की परमात्मा किसी हालत में शादी नहीं होने देगा तुम्हें क्या लगता है फिर कहते हो मेरी बेटी का कसूर क्या है कसूर तो है ना तुम्हें नहीं पता आज के टाइम में आज तुम जो मर्जी को ऐसे ही एक एक व्यक्ति के कसूर हैं कसूर के पीछे आप नहीं जा सकते अगर कसूर का हिसाब किताब आने लगेगा सामने कर्मों का हिसाब किताब तुम्हारे तुम्हारी जो है ना आंखें बाहर आ जाएंगी इतना इतना दर्दनाक चीजें होती है कई बार कैसी कैसी घटनाएं घटती है, है ना इसीलिए डर लगता है बात कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि तुम अपने स्वभाव में रहो जिसका जो कर्म है वो उतना भोगेगा आप थोड़ा सहयोग कर सकते हो उसको कर्म के सिद्धांत के प्रति अवेयर करो उसको माफी मांगना सिखाओ आप भी उसके भी पर माफी मांग सकते हो पर आपका प्रभाव केवल 10-20 परसेंट पड़ेगा वो बंदा खुद अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेगा तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा आप दुखी मत हो जाओ किसी दूसरे की वजह से मेरी बात समझ में आ रही है आज का मकसद यही था ये समझाने से कि दूसरों के दुख को यानी कि दूसरे के दुख से क्या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए दुखी ऐसे होने के लिए आप बने नहीं हो आपका स्वभाव नहीं है ये हाँ मदद जरूर करो जैसे हम एक काउंसलर हैं मेरे लिए कोई आया और वो मां रो रही है अपने बच्चे के लिए ये ऐसे करके बेटी के लिए रो रही है बेटे के लिए रो रही है ऐसे तो मैं उनको कहता हूं आप मेरी तरह सोच के देखो एज ए काउंसलर ठीक है वो आपका अपना है और अपना होने के कारण आपने मोह अपना अटैचमेंट ज्यादा है वहां पर मोह ज्यादा है इसलिए आप दुखी हो रहे हो अगर आप एक बार मेरे एंगल से सोच के देखो मेरे पास इतने लोगों के सुबह से बीस तीस चालीस लोगों के साथ बात होती है उनकी समस्याओं का समाधान होता है या जो भी हम करते हैं तो जितना भी हो सकता है हम हम करते हैं लेकिन ये नहीं है कि हम उसमें उसके साथ दुखी हो रहे हैं ओ हो हो ये तो बहुत बुरा हो गया ये तो बहुत बुरा हो गया दुखी नहीं हो सकते कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा जा सकता आप भी जब सोचो तो एज ए काउंसलर सोचो ठीक है मेरा काम है हेल्प जरूर करूंगा जितना मैं समझा सकता हूं मैं करूंगा बट मैं किसी कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकता कर्मों में इंटरफेयर तो स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते अगर इतनी ही बात होती इतनी ही बात होती भगवान क्यों नहीं चीजें ठीक कर देते भगवान की खुद की कौन सी चीजें ठीक रही जब वो इस धरती पर आए आप बताओ बताओ हाँ या ना भगवान खुद कौन सा अपनी जैसे भगवान राम अपनी पत्नी का हरण होने से बचा सके अब सारी बातें थी उनके जीवन में उनको तो सब पता था सर्वंतरियामी सर्वेश्वर भगवान है वो उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है तो फिर दुखी क्यों हो रहे हैं क्योंकि उस समय वो सिर्फ एक ह्यूमन फॉर्म दिखा रहे हैं कि हम इस संसार का हिस्सा बने हैं लेकिन फिर भी हैं तो सचिदानंद स्वरूप है तो वही लेकिन उस समय जब संसार की तरफ उनकी वृत्ति हुई तो वो दुख होने लगा लोग पूछते हैं भगवान राम दुखी क्यों थे उस समय के लिए दुखी थे दिखा रहे थे तो हमें भी ऐसे परेशान नहीं होना दुखी नहीं होना अपने शांत स्वरूप को याद करना है अपने पवित्र स्वरूप को याद करना है शुद्धो अहम बुद्धो अहम बुद्ध हूं मैं शुद्ध हूं मेरे ऊपर कभी कोई मैल नहीं चढ़ती, पवित्रो अहम शिवोह आनंदो अहम क्या बोला मैं आनंद रूप हूं मतलब मुझे आनंद वो होता है आनंद हमारा स्वभाव है सुख किसी चीज के द्वारा मिल सकता है आनंद किसी के द्वारा नहीं मिलता आनंद है आनंद होता है अकारण खुशी आनंद का अर्थ होता है अकारण खुशी कोई कारण नहीं उसके पीछे सुख के पीछे कारण हो सकता है दुख के पीछे कारण हो सकता है आनंद के पीछे कोई कारण नहीं क्योंकि वो मेरा स्वभाव है ठीक वैसे जैसे आग का स्वभाव जलाना है पानी का स्वभाव शीतलता है वैसे ही मेरा स्वभाव आनंद है तो तीन गुण आत्मा के सचित आनंद तो खुद को याद दिलाना शिवो हम कहें तो उसमें तीनों गुण समाये हैं शुद्धो अहम बुद्धो अहम मुक्तो अहम आनंदो अहम सचिदानंदो अहम इस पे कह दो इसीलिए हम एक दूसरे को जब अभिवादन करते हैं ना हमारे दरबार में कहते हैं जय सचिदानंद जी अब जय सचिदानंद जी कहना तो सत्य को याद करना चित्त को याद करना और आनंद को याद करना तो बात पूरी हो जाएगी नहीं तो अधूरी बात जय सं वो लोग शॉर्टकट मारना शुरू कर देते हैं प्लीज शॉर्टकट नहीं आत्मा का आत्मा से जो जो आत्मा के गुण याद दिलाने के लिए गुरुदेव ने ये ये रखा है जय सचिदानंद जी जय सत चित आनंद जी आपको कहा जा रहा है तो समझ लेना बात इस तरीके से हम अपनी आत्मा का कल्याण का ये रास्ता है अपने स्वभाव में जानकर सुखी हो जाइए जीवन का लक्ष्य पूरा हो बस यही